कार्टून टीवी। चोर चोर मुसेरे भाई। एक दिन किसी जंगल में एक चिंटू नाम का ऊद बिलाव रहता था, जो एक नंबर का चोर था। वो रात में अपने दैनिक खाने का इंतजाम करने दूसरे जंगल जाता और दूसरे जानवरों के घर से चोरी कर लेता। आज खाने को कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। अरे ये क्या, निमकी चींटी दिखाई नहीं दे रही, शायद विदेश गई होगी। यही सही मौका है इसके बिल में चोरी करने का। अरे ये क्या, विदेशी मूंगफली, बड़ी महंगी लगती है यार। मेरी तो सात पुश्तों में किसी ने इतनी महंगी मूंगफली भी नहीं खाई होगी, खाई क्या देखी भी नहीं होगी। अब चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह वो रोज दूसरे जंगल जाता और कुछ ना कुछ चोरी करके ले आता। थोड़े दिन बीत चुके थे और देखते ही देखते उसने एक अपनी किराने की दुकान खोल ली, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान और चौकन्ने हो गए। यार रिंकू, एक बात तो बता। हाँ बता। यार तूने चिंटू को देखा? हाँ देख तो रही हूँ, नई बात क्या है इसमें? तू एक नंबर की पागल ही रही हो। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। ओ मेरी पगली दोस्त, मैं ये कह रहा था कि देख इस चिंटू को, इसने अपनी एक किराने की दुकान खोल ली। हाँ यार यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसने ये दुकान कैसे खोल ली। कल तक तो हमसे खाना पीना मांगता था और अब देखो इतना अमीर हो गया कि किराने की दुकान खोल बैठा। हाँ गिल्लू तू सही कह रहा है, भला एक भिखारी अमीर कैसे बन सकता है? मुझे तो इसमें भगवान का कोई करिश्मा लगता है। मुझे तो ये कोई करिश्मा नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली लगती है। जो भी हो, भगवान का करिश्मा हो या पूरी की पूरी दाल ही क्यों ना काली हो, मुझे भी चिंटू की तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम सीधा चिंटू से ही इसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है चलो, तुझ जैसी पगली ने कुछ तो अकलमंदी दिखाई। अकलमंदी के साथ साथ मेरी मार भी बहुत अच्छी है, देखना चाहेगा? अरे नहीं नहीं मेरी क्यूट सी रिंकू, मैं तो मजाक कर रहा था। चल अब चलते हैं। हाँ चलो। ए चिंटू, हमें तुझसे एक बात करनी है। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? बात ऐसी है। ए चिंटू भैया, जरा आधा ग्राम बादाम तो देना। हाँ हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। चिंटू अब बादाम लेने के लिए अपनी दुकान के पीछे चला गया। तभी ग्राहक गिल्लू और पिंकी से बोलती है। अरे गिल्लू और रिंकू, तुम दोनों यहाँ? हाँ आंटी। अच्छा है आंटी, बादाम किस खुशी में? अरे बेटा क्या बताऊँ, वो मेरी लड़की है ना कम्मो, उसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं। हाँ। अरे क्या बात है आंटी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने। अब क्या करें बेटा, हमारी कम्मू है ही इतनी सुंदर, सुशील और गुणवान कि लड़के वाले उसे हाँ किए बिना तो मानेंगे ही नहीं। मेरी कम्मू के पीछे तो इतने सारे लड़के पागल हैं कि क्या बताऊं। वैसे वो ऐरे गहरे नथु गहरों को भाव नहीं देती है। हाँ यार, ये आंटी कब अपना कम्मू पुराण बंद करेंगी? अरे रुक, ये लीजिए आंटी जी बादाम, और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। शुक्रिया चिंटू, फिलहाल तो अभी कोई जरूरत है नहीं। वैसे चिंटू तुमने ये दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं अपने इनको दूसरे जंगल भगाया करती थी। बस आपकी दुआ है आंटी। चलो ठीक है मैं चलती हूँ, वो लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ नहीं तो बाय बाय आंटी। हाँ
तुम्हें कोई काम था ना मुझसे? हाँ तुम नहीं नहीं हमें तो कुछ काम था, बस ऐसे ही तेरा हालचाल पूछने आ गए थे। अच्छा, पर गिल्लू हमें कुछ कहना था ना। अरे पगली, हमेशा पागलों वाली बातें क्यों करती रहती है? चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बीच बीच में अपना होश खो बैठती है। तू मन लगा कर अपना काम कर। ठीक है। क्या है गिल्लू, तू मुझे वहाँ से खींच के क्यों ले आया? कहीं तू सच्ची में पागल वागल तो नहीं है? पागल तो तू है। क्यों, तूने ही तो बोला था कि इस माजरे का राज पता करने के लिए हमें उसे जाकर ही पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पर अभी मौका नहीं था, और जब मैं उससे बोल रहा था तो तुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अब मान जा। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन रिंकू, अब समझ में आई? हाँ गिल्लू। रात हो चुकी थी और दोनों यानी गिल्लू और रिंकू चिंटू के घर के पास खड़े होकर उसके दरवाजे की तरफ देखने लगे। यार गिल्लू, हम यहाँ पर आधे घंटे से खड़े हुए हैं, अब तक तो कोई बाहर आया ही नहीं। तू शांत रहेगी, अभी आता ही होगा। वो देख आ गया। चिंटू अपने घर की चौखट पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। उसके बाद गिल्लू ने उससे कहा, अरे ये क्या, इसने अपने चेहरे पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? गिल्लू, मुझे तो ये लगता है कि ये चिंटू नहीं बल्कि कोई और है। नहीं नहीं, ये चिंटू ही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसने कपड़े से अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है। चल पिंकी, इसका पीछा करते हैं। अरे ये किसके घर में घुस रहा है? चल अंदर चलकर देखकर आते हैं। अरे नहीं नहीं पागल, रुक जा। देख चिंटू को, वह उस घर से निकलकर वापस अपने जंगल की तरफ जा रहा है। ध्यान से रिंकू, उसको शक ना हो जाए हम पर। सॉरी गिल्लू। ये सारा चोरी का सामान इस पेड़ के पीछे क्यों छुपा रहा है? मुझे क्या पता। चिंटू अक्सर चोरी का सामान अपने घर के पीछे बड़े से पेड़ के नीचे छिपा देता था और सुबह होते ही अपनी दुकान पर रख देता था। चिंटू के वहां से जाने के बाद दोनों यानी गिल्लू और रिंकू वहां आए और सभी चोरी का सामान उठाकर ले गए। अरे गिल्लू, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? बात है ही खुश होने वाली, अब हमें भी कोई अमीर बनने से नहीं रोक सकता। वो कैसे? काश मैं तेरे लिए थोड़ी सी अकल भी ले लेता तो बहुत अच्छा होता, पर ऐसा नसीब कहाँ तेरा। अरे मेरी प्यारी रिंकू, हमारे भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब हम इन सामानों को बेचकर अमीर बन जाएंगे। आई बात अब समझ में? हाँ अब आ गई समझ। देख, सुबह होते ही हम दोनों ये सामान लेकर जंगल के कबाड़ी के पास चले जाएंगे। ठीक है। अरे भाई साहब, ये सामान है, कुछ हम बेचना चाहते हैं, इसकी कीमत बताना हमें, कितनी मिल जाएगी? अरे ये कुछ खास नहीं लग रहा, मैं तो सिर्फ इनका 2000 ही दे पाऊंगा। यह तो बहुत ही महंगे लगते हैं, इसकी इतनी कीमत? इसके तो कम से कम 3000 बनते ही हैं। चल पिंकी, हम किसी और से पूछ लेंगे। अच्छा अच्छा रुको, ये लो 3000 और सामान रख जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ गिल्लू, अब ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब मैं अपना फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस खोलूंगी। गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। क्या बोले? अरे अरे रिंकू, मैं ये बोल रहा था कि अभी तो हमने ये काम शुरू किया है, धीरे धीरे तुम अपना बिजनेस भी खोल लेना। अच्छा फिर ठीक है। यहाँ रिंकू और गिल्लू बहुत खुश हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ चिंटू बहुत ही परेशान था, क्योंकि अब उसे अपना चोरी का सामान नहीं मिल रहा था। अरे यार, कल रात को सामान तो यहीं रख कर गया था, ये कहाँ गायब हो गया?
गिल्लू मैं क्या सोच रही थी? हाँ बोल। आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। क्यों? मुझे बाजार से बहुत कुछ लाना है। आज नहीं। चिंटू रोज की तरह चोरी के लिए निकल पड़ता और ऐसे ही दोनों यानी गिल्लू और रिंकू भी उसके पीछे पीछे निकल जाते। हमेशा की तरह चिंटू चोरी का सामान अपने खास जगह पर छिपाता और वो दोनों जाकर अगली सुबह सारा सामान चोरी करके बेच आते, जिसे देखकर चिंटू को बहुत हैरानी होने लगी। रिंकू, मुझे लगता है कि आज हमें खुद ही चोरी के लिए चले जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये मामला है, आज इनका पीछा मैं करता हूँ। मुझे सब समझ आ गया है, ये मुझे पागल समझते हैं, लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। चल रिंकू, हम इस सामान को यहीं रख देते हैं, हम कल ले जाएंगे। ठीक है। जब वो दोनों वहाँ से चले गए तभी चिंटू आया और सारा सामान अपने साथ लेकर चला गया। अगली सुबह जब रिंकू और गिल्लू अपने सामान के पास पहुँचे तो उन्हें चोरी का सामान नहीं मिला। तूने ही तो नहीं ले लिया सारा सामान। नहीं नहीं गिल्लू, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? अरे चिंटू तुम। हाँ मैं, मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों मेरा सारा सामान चोरी करके यहाँ बेच देते हो। चोर तो तुम भी हो। चिंटू वैसे तो चोर था लेकिन खुद के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल सुन उसे बहुत बुरा लगा, जिसके बाद उसने कहा, मैं बात समझ चुका हूँ, मैं ये वादा करता हूँ कि आज से मैं चोरी नहीं करूँगा। हम भी आज से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज से हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे। अब हाँ, अब तक जिन जिन का सामान हमने चोरी किया है हम सब उन्हें लौटा देंगे। और उस दिन से कभी भी गिल्लू, रिंकू और चिंटू ने चोरी ना करने की ठानी और साथ मिलकर मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने का फैसला किया। अरे तुम तो चोर चोर मुसेरे भाई बन गए, क्या बात। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।